हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम आ चुके हैं आपके लिए फिर से इंटरेस्टिंग सी व्हीकल मोड की वीडियो लेकर, जिसका नाम है कलार डबस मोड। और आज हम इस मोड के बारे में फुल रिव्यू करने वाले हैं और साथ ही साथ वीडियो के एंड में आप लोगों को इसकी फुल डाउनलोडिंग प्रोसेस भी बताने वाले हैं। और गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में कहीं ना कहीं आपको पासवर्ड दिया गया है, इसलिए पासवर्ड को बिल्कुल भी मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी कलार डबस मोड, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है और आप लोग देख सकते हैं। और साइड में एकदम बढ़िया तरीके से कलाड़ा लिख रखा है और आगे की ओर विष्णु लिख रखा है। और गाइस, आप इसका इंटीरियर देख ही सकते हैं, जो कि काफ़ी प्यारा है। और बस भी हमारी जो होती है लॉन्ग वाली, वही बस है, एकदम सेम जो ETS में जो कलाड़ा बस होती है, सेम वही डुप्लीकेट बस है। और गाइस, आप इसके अंदर के इंटीरियर देख सकते हैं कि सीट जो एकदम बढ़िया तरीके से मॉडिफाइड कर रखी है। और गाइस, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो आप विंडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो इसकी विंडो है वो ओपन हो जाती है और जो बस का मॉडल है वो नीचे की ओर आ जाता है। और गाइस, नंबर एक के एनिमेटेड की पर क्लिक करते ही जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो ओपन हो जाती है, जैसा आप देख सकते हैं। और गाइस, नंबर दो पर क्लिक करते ही जो इमरजेंसी डोर होता है वो भी ओपन हो जाता है। और गाइस, नंबर तीन पर क्लिक करते ही जो पीछे के साइड का बॉक्स होता है वो भी ओपन हो जाता है, हालांकि ये जो बॉक्स है वो बहुत कम ओपन होता है। और गाइस, अब आप लोगों को इसके जो वाइपर होते हैं वो भी देख सकते हैं, बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे हैं। और गाइस, जो इसकी फ्लैश लाइट है वो भी बहुत ही दूर तक मतलब फोकस करती है। और गाइस, इसके अंदर का इंटीरियर आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और साथ में आप लोगों को एक GPS भी दे रखा है। तो चलिए गाइस, हम इसकी एक टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं और आप लोगों के इसके जो कंट्रोलर होता है मतलब वो भी उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि गाइस लॉन्ग होने के कारण हर कोई इस बस को जो है कंट्रोल नहीं कर पाता। तो गाइस, इसलिए इसके कंट्रोलर बढ़िया होने तभी मज़ा आता है ऐसे चलाने में। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं साइड में रखे हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया जगह पर दे रखे हैं, इसलिए हम लोग दोनों साइड का देख सकते हैं। और गाइस, आप लोग आगे से देख सकते हैं, इसे चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। और जो इसकी ब्रेक परफॉर्मेंस है वो भी बढ़िया, देखिए जैसे कि मैंने अभी ब्रेक लगाया तो तुरंत ब्रेक लग जाता है। और गाइस, जो इसका स्टेयरिंग मूविंग होता है तो वो आप बहुत ही मतलब आधा एकदम मतलब पूरा घुमा दोगे ना, तब भी जो इसके टायर होते हैं वो एकदम वर्क कर जाते हैं। तो गाइस, मेरे हिसाब से मोड बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और हमें इसे बढ़िया चलाने में ज़्यादा मज़ा भी आती है। और गाइस, जो इसका इंटीरियर है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है। बस मुझे वही सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं जो मैंने आपको अंदर के साइड इंटीरियर दिखाया था वो बहुत ही प्यारा था। तो हम चलिए इस पार्क को मतलब बस को अपनी जगह पर पार्क कर देते हैं। और उसके बाद जो इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे पहले इस बस के मोड को डाउनलोड करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर आप लोगों को कलावटा बस मोड लिखा होगा, उसके नीचे आप लोगों को लिंक दी गई होगी, आपको लिंक पर क्लिक करके उसे सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। और साथ ही साथ आप लोगों को उसके नीचे एक चैट अचीवर ऐप की भी लिंक दी गई होगी, आपको उस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को होम स्क्रीन में समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को फाइल को डाउनलोड करने के बाद अपने फ़ोन में जेट अचीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके अंदर आप लोगों को डाउनलोड के फोल्डर के अंदर चले जाना है, उसके अंदर आप लोगों को वोल्वो बस की जो जिप फाइल है वो देखने को मिल जाएगी, आपको उस पर क्लिक करके एक्स्ट्रा टियर पर क्लिक कर देना है। या भाई आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो वीडियो के राइट साइड में सो रहा है आप उसे देख कर फिल कर दें तो जो आपकी फाइल है वो एक्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रैक्ट हुई वाली फाइल को कॉपी करके कट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों को बैग जाने के बाद बस एड के फोल्डर के अंदर मोड्स पर जाने के बाद आपको फाइल को पेस्ट कर देना है और सब कुछ बैकग्राउंड से हटाकर अपने गेम को ओपन करके मोड्स को चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी थी। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। Гулять без тени, заливая лик, поцелуй на шею.